दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिंग मुद्रा क्या होती है, इसके हमें क्या क्या फायदे होते हैं, किन किन को ये लिंग मुद्रा करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किन किन को करना चाहिए, किस किस चीजों में ये जो लिंग मुद्रा होती है हमें फायदा देती है। सबसे पहले जिन्हें सर्दी, जुकाम, खांसी, साइनस, लकवा, नापी, पेट, मर्दाना कमजोरी, दिमाग की कमजोरी और लो ब्लड प्रेशर, जिन्हें जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है वो लिंग मुद्रा करके अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिंग मुद्रा है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मुद्रा होती है। अब ये जो लिंग मुद्रा है इसमें कुछ सावधानियाँ होती हैं। वो क्या है कि जब भी आप लिंग मुद्रा करोगे तब आपको जल, फल का यूज, घी और दूध का सेवन आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि ये एक शक्तिशाली मुद्रा है। ये आपके शरीर में वो काम करना शुरू करेंगी जो आपके शरीर में कमियां हैं, बीमारियां हैं, उन्हें ठीक करना शुरू कर देंगी। जो जो आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ा हुआ है उस बैलेंस को ये सेंटर में लाना शुरू कर देगी। अब करना क्या है, काम जे मुद्रा करना शुरू कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक मजदूर की तरह इसे सारा सामान सप्लाई करना शुरू कर दो बस। जब भी आप जे मुद्रा करोगे, आप जितनी भी खाने की चीज़ें बताई हैं आपने वो जरूर खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। इस मुद्रा को जो करने का समय है वो सुबह और शाम हम कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये खाली पेट ही करनी है। जब आप ये मुद्रा शाम को करोगे तो आप एक दो घंटे पहले अपना खाना खा लो, एक दो घंटे बाद ही आप ये मुद्रा करोगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके पेट के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं जो जो हमने आपको बताई हैं वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी इसके लगातार अभ्यास से। बच्चों को ये मुद्रा कम से कम करवानी चाहिए, हो सके तो उन्हें ना करवाएं। और बच्चों के लिए और बहुत सारी ऐसी मुद्राएं होती हैं जिससे उनका दिमाग, उनकी हड्डियां, उनका शरीर ग्रो होता है। और हाँ, जिन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है भाई वो भी इसे मत करें, या कम से कम करें, कर सकते हैं लेकिन कम से कम करें। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये मुद्रा करके दिखाता हूँ कि आपने ये मुद्रा कैसे करनी है, कितना टाइम करनी है, ठीक है, जो इसकी सही विधि है वो क्या है, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिल सकेगा। दोस्तों देखिए कि हमने ये लिंग मुद्रा है वो कैसे करनी है। 5 मिनट हमने इस हाथ से करनी है और 5 मिनट हमने इस हाथ से करनी है। हमने टोटल सुबह और शाम, सुबह हमने 10 मिनट बैठना है और शाम को भी हमने 10 मिनट बैठना है, 5 और 5, ठीक है। इसे करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम दाएं अंगूठे से करेंगे। हमने अपनी उंगलियों को ऐसे लॉक कर लेना है, ठीक है, सॉरी इस तरह करना है, लॉक कर लेना है। और हमने इस वाले अंगूठे को, जो हमारा दायां अंगूठा है, इसे हमने खड़ा कर लेना है। और ये वाले जो बाएं हाथ की अंगूठा और उंगली है इसे हमने ऐसे आमने सामने रख लेना है, ठीक है, बाद में हमने ऐसे रखना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कैसे दिया है, इसे हमने बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। इसके बाद हमने इसे ऐसे खड़ा करके नीचे रख लेना है और अपनी आँखों को बंद कर लेना है, अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना। हमने 5 मिनट ये मुद्रा करनी है। जब भी आप अपनी आँखें बंद करेंगे तो आपने अपना जो ध्यान है वो अपनी सांसों पर लेकर जाना है, अपना ध्यान आपने अपनी सांसों पर रखना है। या इसके साथ आप अपना कोई भी गुरुमंत्र कर सकते हो, आप अगर किसी भी गुरुमंत्र का जाप करते हो तो वो आप सांसों के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो आप धीरे धीरे बोलकर भी कर सकते हो। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। आपने 5 मिनट ऐसे रखना है, अपने हाथ को, अंगूठे को बिल्कुल ऐसे सीधा ही रखना है, अपनी सांसों पर पूरा ध्यान देना है। वो श्वास हमारा अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। बहुत ही अच्छी और आपके मन को शांत कर देने वाली ये मुद्रा है। आपके जो शरीर का टोटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, हमने जब इसके फायदे बताए थे तो हमने बताया था कि पेट, नाभि,
आपका जो डिसबैलेंस हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में कर देगी जे वाली मुद्रा। आपने अपने अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखना है। दोस्तों इसके बाद हमने दूसरे हाथ से करना है, वो कैसे करना है ये सिर्फ यहीं पर फर्क पड़ेगा ऊपर नीचे का, ठीक है। अब हम बाएं हाथ का अंगूठा सीधा रखेंगे, अपनी उंगलियों को लॉक कर लेंगे और आमने सामने ऐसे रख लेंगे, ठीक है। तो अंगूठा हमने बिल्कुल सीधा रखना है, सेम वही प्रोसीजर, हमने अपना हाथ नीचे रख लेना है सेंटर में, अंगूठे को बिल्कुल खड़ा रखना है और आंखें बंद करके बिल्कुल ढीले स्थिर होकर बैठ जाना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है। ये वाली मुद्रा आप सुबह और शाम खाली पेट करो। दोस्तों जे वाली मुद्रा आप सुबह शाम करना शुरू कर दो, आपके जो आपका जो पुराने से पुराना सर्दी जुकाम आपके अंदर जो कफ है वो इस मुद्रा से सूखनी शुरू हो जाएगी और आपका कफ बाहर निकल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमने ये रूटीन बाय रूटीन करना है, रोजाना करना है, इसका एक दिन का भी हमने गैप नहीं डालना। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे तब आप इसे छोड़ सकते हो। तो ये था दोस्तों लिंग मुद्रा करने का बिल्कुल सही तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।